जी नाज़िम, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और हम अभी भी मौजूद हैं सेंसेशन के एक्टिविटी की जगह पर, और हम मौजूद हैं हाइपर स्टार डॉलमेन मॉल में, जहां पर फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेंसेशन की जानिब से लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फादर के वाले से क्या कहना चाहते हैं। दो लेडीज़ हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने डैड के वाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फुरतुलैन। आपको एनी कहते हैं? अच्छा, एनी मुझे ये बताएं कि आपकी ऐसी कोई आदत जो आपके फादर की ऐसी कोई आदत जो आप में आई हो? बहुत केयरिंग है, मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल, या बिल्कुल, मैं अपने पापा की सबसे ज़्यादा केयर करती हूँ और वो सबसे करते, पर मुझसे ज़्यादा ऑलरेडी करते। अच्छा, खाने वाना कुछ बनाते हैं घर में? बिल्कुल, उनको जो पसंद है, उनको मेरा हाथ का पराठा बहुत पसंद है। वो खुद कुछ बनाते हैं? जी, वो भी बनाते हैं। वो कढ़ाई चिकन बहुत अच्छी बनाते हैं। सारे मर्द कढ़ाई चिकन अच्छी बनाते हैं? अच्छा, हाँ है। अच्छा, कुछ भी मैसेज देना चाहेंगे? आपसे भी बात करूँगी मैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फादर को आप? बस मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि कहना वो खूब सारा अपना ख्याल रखें, ताकि उनका साया हमेशा हम पे सलामत रखे। आमीन। आपका नाम क्या है? रोहा। आप बहन हैं इनकी? नहीं। कौन है फिर? अच्छा, अलग है, बिल्कुल ही अलग है। नहीं, आपस में बहने बहने हम सब। अच्छा रोहा, मुझे कुछ अपने वालिद के वाले से बताओ कि ऐसी कोई चीज़ है तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो आदत? उनकी हर आदत बहुत अच्छी है, कुछ वो बहुत कहेंगे और हमसे बहुत लव करते हैं और बहुत अच्छे हैं। अम्मी स्ट्रिक्ट हैं, अब्बा स्ट्रिक्ट हैं? अम्मी स्ट्रिक्ट हैं। अब्बा बचाते हैं, कभी डांट पड़ी होती है? ठीक है, कोई मैसेज देना चाहोगे अपने डैड को? आई जस्ट लव हिम वेरी मच और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, आप भी ख्याल रखती हो उनका? कुछ ले रही हो इस दफ़ा फादर्स डे पे? हाँ, सोचा है। क्या सोचा है? सरप्राइज है। चलो, हमें क्यों नहीं बताते फिर? नहीं ना, फादर देख लिया तो। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। जो दुआएं आप लोगों ने की अल्लाह में वो पूरी हो। ओवर टू यू ज़ायला। ज़ायला के साथ भी कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, फादर डॉटर जो। पहले मैं फादर से बात करूंगी। अच्छा, आप बताएं ऑन फादर्स डे आपके वालिद अभी हयात हैं? इज़ ही अलाइव? या, ही अलाइव। आप सेलिब्रेट करते हैं ये डे? नो, नॉट रियली। अच्छा, हर दिन वैसे होना चाहिए पेरेंट्स का डे? आई गेस सो। अपने अब्बा के बारे में कोई ऐसी स्पेशल चीज व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? स्पेशल चीज़ यही है कि मतलब आई मीन तो जो हम अच्छा, अब्बा से डर लगता था बचपन में? हाँ, स्ट्रिक्ट थे बहुत? हाँ बिल्कुल। अभी भी वैसे ही हैं? कान पकड़ते हैं? नहीं, अब कान तो नहीं पकड़ते, बट सॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट तो हैं। कुछ कहना चाहेंगे अपने वालिद को? मैं ये कहना चाहूँगा कि आई विश हिम हेल्थ, क्योंकि वो कभी बीमार रहते हैं वो। हमारी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट एंड होपफुली आप जल्दी सेहतियाब हो जाएंगे। आपकी ये बेटी है, मुझे बताएं कि ये बात सच है? मैंने एक और डैड से आज पूछा है कि फादर्स के लिए बेटियां बड़ी स्पेशल होती हैं, ऐसी बात सही है? ऑब्वियसली है। क्यों, ऐसा क्यों है, प्लीज बताएं। माशाल्लाह, आई हैव थ्री डॉटर्स। माशाल्लाह, कौन सी लाडली वाली है? ये वाली? सारी हैं। सब सारी हैं। अच्छा, क्या सबसे अच्छी बात लगती है बच्चों में और बाप बनने में? ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जब आप घर आते हैं तो ऐसा वेलकम मिलता है, बिकॉज लोग ऑफिस टाइम भी लंबे होते हैं। सर, 8 o'clock रात को आप घर आएँ, सही बात है। बच्चे आपके पास आते हैं, आपको आके हक करते हैं आपसे, मतलब कोई थकन दूर हो जाती है। जी एग्जैक्टली, खुद से आपको जीने ला के दे रहे होते हैं। और अच्छा, मतलब इनका नाम क्या है? अब मैं उनको माइक देती हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? अच्छा, ये पकड़ लो आप माइक। आप सारा। अच्छा, आप नंबर वन, नंबर टू या नंबर थ्री हो घर में? नंबर टू। ओ, मिडिल वन। अच्छा, मिडिल वन का ये सीन बड़ा होता है, सिंड्रोम होता है। बड़ी वाली को अटेंशन मिल जाती है, छोटी वाली लाडली होती है, मिडिल वाली जो होती है सबका ख्याल रख रही होती है, ऐसा बात सच है? या, सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ। अच्छा, अपने अब्बा के लिए कुछ स्पेशल बोलो जल्दी से। ही इज द बेस्ट फादर इन द होल वर्ल्ड एंड ही केयर्स फॉर मी सो मच एंड आई जस्ट ऑलवेज वांट हिम टू Stay with me. Oh, that is one of the sweetest messages, नाज़रीन। बहुत ही स्वीटली उन्होंने अपने अब्बा को फादर्स डे विश किया। आपको गिफ्ट चाहिए? मैं आपको देती हूँ, आप अपने अब्बा को माई तरफ दे दो। सेंसेशंस की जानिब से आपके लिए सारा, दिस इज फादर्स डे गिफ्ट जो आप अपने अब्बा को दे दो, तो बेसिकली इट्स अ फैमिली गिफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हैव अ ब्रिलियंट डे। थैंक यू। और फाइनली एक गिफ्ट जो है वो चला गया है सेंसेशन का। देखते हैं कि और कौन खुश नसीब है जिनको ये मिलता है। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आंखों वाली बच्ची बैठी हुई है और उससे जानते हैं, उसके अपने वालिद के साथ वो मौजूद है यहाँ पे। किडनैप कर लूँगी। हाँ सीरियसली, वो ऐसी बच्ची है, किडनैप करके आप घर ले जाएँ और शोकेस में रख दें। बहुत प्यारी माशाल्लाह आपकी बेटी, अल्लाह को नज़र ना लगे। आपका नाम क्या है? अमजद। आपकी बेटी का? ईमान। अमजद इनका नाम है, इनकी बेटी का नाम ईमान है। अच्छा, कितने साल की ईमान? ये 18 months की है। अच्छा, 18 months की है। तो आपकी एक ही बेटी है या बच्चे और भी हैं? एक ही बेटी है। शादी कितना सा आपकी? शादी मेरे 2 साल हो। अच्छा, वालिद आपके हयात हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि वालिद साहब की हालात है, आपकी इनकी डेथ हो गई। अच्छा, ऐसी कोई बात जो सबसे ज़्यादा अपने वालिद की आपको याद आती हो? वालिद साहब की दो से था। मेरे वालिद की जो तबीयत थी वो बहुत अच्छी थी हमारे लिए, और वो बहुत एक जैसे कहते हैं डिसिप्लिन फादर थे हमारे।
और उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की हमारी, और सुबह उठना अच्छा। और उसके बाद उनका हमें एक्सरसाइज पर भेजना, और उसके बाद खाने का ख्याल, फिर अपना पढ़ना है, और फिर बिजनेस सिखाया उन्होंने, काफ़ी चीज़ें उनसे हमने ली इंस्पायर। अच्छा, वालिद वालदैन का वालिद के लिए कहा जाता है कि बेटी से बहुत मोहब्बत होती है, आपको लगता है कि अगर बेटा होता आपका तब भी इतनी मोहब्बत होती, क्योंकि वालिद को बेटी से होती है और माँ को बेटे से होती है? हाँ यकीनन, मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि मेरी बेटी हो, और अल्लाह ने बेटी ख्वाहिश थी। और बेटियाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बाप का बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा, मुझे बताएं इसकी आंखें ग्रीनिश हैं, इसके लेंसेज नहीं जैसे होते हाँ। वो जो ड्रेस पहना है वैसे कलर, ये किस पे गई हैं? ये बस मिक्स है, फैमिली में मेरी जो वाइफ है, वाइफ भी खड़ी हुई पीछे ना हाँ, उनके इनकी फैमिली में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमजे साहब। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने वालिद के वाले से, वो के वो हयात नहीं, बट एनीथिंग दैट यू लाइक टू से? बस मैं उनके लिए दुआई कर सकता हूँ कि तो दुआ मकफरत बहुत जरूरी। थैंक यू वेरी मच हमजे साहब हमसे बात करने के लिए, और वी हैव अनदर फैमिली और उनसे भी बात करते हैं, और ये आप सेंसेशन की तरफ से आपके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, अनिमान इज अ ब्यूटीफुल डॉटर, खूबसूरती पे ये दिया गया इसको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। छोटे छोटे पिंक क्रॉक्स को देखें अनिमान के। नाज़रीन, वी आर हियर विद अनदर फादर डॉटर डुओ, अब इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या है वो बेटी और बाप का बॉन्ड जो दुनिया में मिसाल कायम कर रहा होता है, और हर बाप को अपनी बेटी बहुत लाडली होती है। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, यू कैन होल्ड द माइक, आई हैव माय ओन माइक। कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं ठीक ठाक, मेरा नाम ज़ैगा मेरी। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं आज आप? यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए आए थे। अच्छा, आपकी बेटी और बेटा भी है या खाली बेटी है? नहीं, मेरी बेटी है, तीन बेटी है मेरी। माशाल्लाह, बहुत हम लोग बड़े फिट किस्म के डैड्स आ रहे हैं, सबकी बेटियाँ हैं। गाइस, ये बात सच है कि लड़कियाँ बहुत पसंद होती हैं वालिद को, फादर्स की लाडलियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों होती है? सही बात है। क्या खास बात होती है? बस नेचुरल बॉन्डिंग है बेटियों के साथ, बाप की ज्यादा होती है। और ये नंबर कौन सा है इस बेटी का? ये लास्ट है, ये सबसे यंगेस्ट है। नेम इज माहीन, शी विल टेल यू अबाउट हर। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, आप अपने वालिद को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इज ही अलाइव, इज ही हयात? नो, ही डाइड लॉन्ग टाइम अगो। एनीथिंग गुड यू रिमेंबर ऑफ हिम, आपको कोई अच्छी बात उनकी को याद है? Yeah, the good thing is whatever I wanted, he helped me a lot. That's great. And that's why I'm here and of alhamdulillah successful. MashaAllah. Achha, ab aapki beti se hum baat karenge. Will you talk to us? Yeah, sure. Aapka naam Maheen hai, right? Yeah. Achha, Maheen, mujhe batao, abba strict hai ya amma? I think my mom. Sari mothers jo hoti hai na, wo dirty work karti hai, sari mehnat sari karti hai. Achha, abba ki sabse achhi baat kya hai? He buys me a lot of things. Oh, but material, hair material. अच्छा, और क्या इसके अलावा? क्या इसके अलावा? well, जो भी मुझे चाहिए होता है तो पापा दे। अब्बा मना करती हैं भागते हुए डैडी के पास, है ना? Yeah. है ना, यही होता है ना? Yeah. अच्छा, मुझे बताओ, अब्बा तो बहुत कुछ करते हैं, आपने कभी कुछ स्पेशल किया है अपने अब्बा के लिए? Yeah, a lot of things. Whenever I was small and it was his birthday, I used to give him like with my friends a surprise party. Ah, अच्छा, तो इस दफा फादर्स डे पे क्या करने का इरादा है? Actually, I want to, you know, like with my friend, I want to, you know, like give a party. Give a party on Father's Day. जबरदस्त, सब बापों को ऐसी बेटियां मिलनी चाहिए, और इतनी अच्छी बात पे मैं इनको गिफ्ट कैसे ना दूं? So this is from us. Thank you so much, Maheen. शुक्रिया बहुत बहुत। Happy Father's Day to you and your family, and enjoy your day. Thank you. And Sania has another family. And that's it. We are done almost. Yes. Last gift left. और इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आपने चाय टाइम देखा हुआ है, राइट? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आपका नाम क्या है? नादिया रेहान। नादिया, किसके साथ आई हैं आप यहाँ पर? मैं बच्चों के साथ आई हूँ। आप और बच्चे आए हुए हैं, हस्बैंड किधर हैं? हस्बैंड हैं साथ में। दैट्स गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी बेटियाँ आपकी? मेरे दो बेटे हैं और दो बेटियाँ हैं। माशाल्लाह, दो बेटे हैं, दो बेटियाँ। बेटियाँ छोटी हैं? बेटी दोनों छोटी हैं, दोनों बेटे बड़े हैं। दोनों बेटे बड़े हैं। ऐसा है कि आप अपने बेटों से ज़्यादा अटैच्ड हैं और बाप अपनी बेटियों से ज़्यादा अटैच्ड हैं? एग्जैक्टली, ये तो है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? बल्कि इनफैक्ट आपको बताऊँ, मेरे चारों बच्चे ही फादर से अटैच हैं। अच्छा, आपसे क्यों नहीं? आप डांटती वाँटती मारती हैं? ऑब्वियसली मदर्स हैं, वो ज़रा स्ट्रिक्टनेस करती हैं कि डोंट गो हेयर, डोंट वॉच सो मच ऑफ टी वी, ये वो ऑब्वियसली। अच्छा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज दुआ। दुआ, दुआ नाम है ना? क्या दुआ की है दुआ आपने अपने अब्बा के लिए? बताओ बाबा के लिए जो रोज दुआ करती है, बताओ बताओ। शर्माएं नहीं, जल्दी से बता दें। ठीक है, ओके, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा कुछ हो रही है, आप बता दें। कोई अच्छी सी जल्दी से कौन सी स्कूल जाती हूँ? जैकिन जेल आती है।
ड्रॉन एंड रोक के स्वेल एंड जंप एंड टैबलिंग काफ्ट है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया तुमने क्या क्या, बट फिट है। Mother's Day, Mother's Day is the very special day with a great big hug and lot of kisses. You, my mama, I love you. I love you. अपनी अपनी अम्मा ने फादर्स डे पे अपनी अपने लिए पोएम सुन ली है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज द लास्ट वन वी आर गिविंग टू हर, दैट्स राइट, वी आर डन। अच्छा, ये आप लोगों के लिए, और जाकर अपने अब्बा को दे दिएगा, कुछ और गिफ्ट नहीं लिया है तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, और फाइनली हमने अपने सारे गिफ्ट दे दिए हैं। यहाँ पर फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, डॉर्मिन मॉल हाइपर स्टार सेंसेशन की जानिब से एक्टिविटी जारी है, और यहाँ पर अगर आपने चक्कर नहीं लगाया है तो यहाँ का चक्कर लगाइए, सेंसेशन भी घूमिए, और बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पे आप आके अपनी पसंद की चीज़ खरीद सकते हैं। बिल्कुल, और सानिया इसी के साथ साथ हमारा टाइम खत्म हो रहा है नाज़रीन। हम लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे डॉलर मॉल में, बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ भाग रही है। सानिया, बिफोर वी गो, लास्ट मैसेज क्या बोलना चाहूँगी? अपने डैड को ये कहना चाहूँगी, वट एवर आई एम टूडेज बिकॉज ऑफ हिम। बहुत सारे वक्त ऐसा आए थे जब किसी ने साथ नहीं दिया था, बट माई फादर वॉज देयर, सो आई लव यू डैड, एंड जो भी कुछ हूँ आज आपकी वजह से हूँ, और अगर आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। ज़बरदस्त, और मैं ना सिर्फ अपने फादर को बट सारे दुनिया के फादर्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो शफकत से और इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं, उनको हम खराज तहसीन पहुँचाते हैं आज के शो पर। होप ऑल ऑफ़ यू स्टे वेल, हमारी तरफ से बहुत 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 प्यार, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा नाज़रीन। मज़ीद न्यूज़ ऑन रिटेल में देखते रहिए। मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।